10 मिनट 20 मिनट हमारी चर्चा रहती है, उसके बाद नाम श्रवण होता है। तो आपका कोई सवाल हो, और कई सवाल हमारे पास ऑनलाइन आए हुए हैं, कुछ सवाल हम इधर उधर गए हैं, कहीं गए थे, कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी मुजफ्फरनगर की, चरथावल ब्लॉक की, इसके अलावा दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ लोगों से मिले हैं, तो कई सवाल जो सामने आए हैं। तो आपका भी कोई सवाल हो तो आप दीजिएगा, अगले 10 मिनट हम इसी चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। तो आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर दीजिएगा जी। तो कुछ सवाल क्या है कि अलग अलग तरह की धारणाएं हैं लोगों की, और वो धारणा इस तरह की है जैसे यदि क्यों, मतलब यदि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, मतलब ये कल्पनाएं चलती हैं भी, ये कर लेते उस समय पे तो ये हो जाता, ये कर लेते तो ये हो जाता। दूसरा क्या है कि क्यों किया, मतलब कोई काम, ये काम नहीं करना चाहिए था, या ये काम ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो ये अलग अलग तरह के सवाल उठते हैं। ये सवाल सत्संगी उठाए तो उसको तो शायद उठाना नहीं चाहिए, लेकिन जो सवाल गैर सत्संगी उठाते हैं तो उनके दिमाग में क्या रहता है, अभी जैसे दांत प्रोग्राम चला, दांत प्रोग्राम में महंगा सामान जो दिया गया, उनका मानना था अभी ये एक नींबू है जी, ये तो 5 रुपये का या 2 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, दांत प्रोग्राम में 2 लाख का मिला या 2000 का मिला या 20000 का मिला। और दूसरा मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जैसे पिताजी के सामने घटित हो रही थी, तो पिताजी का चुप रहना, या उस समय क्या पिताजी ने कार्रवाई नहीं की, क्या पिताजी कोई जानकारी नहीं थी, और जो कुछ आज ये बताया जा रहा है, क्या ये पिताजी को पता था तो फिर पिताजी ने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये इस तरह के सवाल अलग अलग तरीके से हैं। और कुछ जो सत्संगी, तो गैर सत्संगी कुछ लोग हैं, कुछ सत्संगी लोग हैं उनके सवाल रहते हैं, जैसे शहरी लोग हैं, मान लो 20-22 साल के 23 साल के लड़के ने मेरे से पूछ लिया कि जी ये ओढ़ निभाना क्या होता है भी। अब क्या है कि वो शहरी उसमें जिए पड़े बड़े हैं तो उनको नहीं पता होता इस तरह की चीज़। तो ये एक सवाल हो रहा था, इसके अलावा और कोई सवाल हो तो आप बताना। अब मसला ये कि दांत प्रोग्राम को लेके जो सवाल उठता है, अभी उस समय ये नहीं करना चाहिए था, या फिर रूबरू नाइट हुई या कलाकार जो बुलाए गए, जैसे 15 अगस्त को जो भंडारा 7 दिन का चला, उसमें कलाकार भी बुलाए गए, ये सब कुछ कल्चरल प्रोग्राम हुआ, ये सारी चीज़ें मतलब हर व्यक्ति अलग नज़रिए से देखता है। कुछ को लगता है भी नहीं संतों को बिल्कुल सीधा साधा होना चाहिए, मतलब एक रंग के कपड़े पहने, कोई ऐसा लाव लश्कर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सादगी में दिखने चाहिए। इस तरह की छवि लोग, मतलब एक जैसे उन्होंने टीवी में दिखाया गया है, इस तरह की छवि लोग बना के रखते हैं। लेकिन जब हम जिक्र करते हैं अवतारी पुरुषों का, तो अवतारी पुरुष ऐसा राजा भी हुए, महाराजा भी हुए, क्षत्रिय हुए, हथियार चलाने वाले भी हुए, कलाकार भी हुए, गायक भी हुए, नाचने वाले भी हुए, हर तरह के फकीर हुए, जो नाचते भी थे, गाते भी थे, और ऐसे ऐसे चीज़ें भी हुई जहाँ पे फकीर किसी वैश्या को लेकर वैश्या के कोठे पे चले गए और खेल खेला अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, ऐसे ऐसे फ़कीर भी हुए, हर तरह के फ़कीर हुए हैं। ये नहीं कह सकते भी नाचने वाले फ़कीर नहीं होते, गाने वाले फ़कीर नहीं होते, या कल्चरल प्रोग्राम करवाने वाले फ़कीर नहीं होते, या नाटक करने वाले जो एक्टिंग जिसे आज कह देते हैं, अभिनय कह देते हैं, भी ये फ़कीरों का काम नहीं है, या बढ़िया कपड़े पहनने वाले या शस्त्र चलाने वाले, ये तमाम लोग ये फ़कीर नहीं होते। तो अब मसला ये कि हजूर पिताजी ये सब कुछ क्यों करते हैं। देखिए वो सबका अपना नज़रिया है, हम डेरा में आए सिर्फ अपना परलोक संवारने, आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने, गुरु धारण करने से पहले हर व्यक्ति को ये बोला गया भी आप गुरु को ठोक बजा के चेक कर लो, गुरु को परख लो, गुरु आपसे प्रेम करता है या नहीं करता ये परख लो, उसके बाद आप गुरु के बताए मार्ग पर चलो। गुरु से प्रेम का मतलब ये नहीं होता भी गुरु आपको 50 लाख की लॉटरी लगवाएगा तो ही आप गुरु को मानेंगे, वो प्रेम का मतलब होता है भी आप बिना कहे गुरु आपकी बात मान ले। ऐसे सब ने नज़रिए अपने अपने अपनाए। कल एक व्यक्ति मिले दिल्ली से, उन्होंने बताया कि मैं शराब बहुत पीता था और मुझे किसी ने बोला भी नाम ले लो डेरा में चलो, वो कहते भी मैं तुम्हारे डेरा में तब जाऊँगा भी जब
मेरे तुम्हारे बाबा जी मेरी शराब छुड़वा दें। कहता शाम होते होते मेरी आँखें टांगें कांपने लगती हैं, आँखें कांपने लगती हैं, मुझे दिखाई नहीं देता, तो मुझे शराब पीनी पड़ती है। तो उसने ये बात बोली, अगले दिन सत्संग था तो या कुछ दिन बाद सत्संग था, जब उसने ये शर्त रख दी तो कहते हैं उसने खुद ही बताया, कहता जी शाम होने लगी लेकिन उस दिन मुझे घबराहट नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ, और मैंने जब मुझे कोई घबराहट नहीं हुई, मुझे दिखना बंद नहीं हुआ, तो मैंने शराब नहीं पी। लेकिन मेरा अपने आप से वादा था तो मुझे एहसास हो गया अभी, हाँ जी ये मैंने ये शर्त रखी थी संतों के सामने, इसका मतलब संतों ने मेरी सुन ली। और मैंने उसने कहता उसके बाद मैंने शराब पीना छोड़ दिया और उसके बाद मैंने नाम ले लिया। मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति ने अपने तरीके से अपने गुरु के प्रेम को परखा है। गुरु से स्वार्थ नहीं होता, गुरु से प्रेम को परखा। जब वो प्रेम परखा गया भी गुरु सब कुछ जानता है। और अध्यात्म ये कहता है भी गुरु जैसा कहे वैसा करो, उसमें सवाल नहीं होता। और उसके अलावा भी अगर गुरु खेल खेलता है, क्योंकि असली रूहानियत गुरु का मतलब आप कोई गीता भगवत गीता पढ़िएगा, बाइबल पढ़िएगा, तपस्या करने के 100 तरीके हैं, ध्यान साधना करने के योगा में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन अध्यात्म में सबसे सर्वोच्च प्रेम माना गया। जब भगवत गीता में उद्धव का जिक्र आता है तो प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया कि किसी भी ईश्वर से प्रेम किसी भी तरीके से आपको हो। तो किसी वस्तु को लोग पहले मानते थे, फिर संतों को मानते थे, कि ईश्वर रूप में आप जिसको भी मानते हो तो वास्तव में आप ईश्वर से प्रेम करते हो। और ये चीज़ दिखाई गई एक तरह से अध्यात्म में, और यही चीज़ सच्चे सौदे में पिताजी के साथ चली, जिसे लोग समझते हैं नहीं ये अलग तरीका है, ऐसा नहीं है। और दूसरा एक सवाल था, अभी 2017 में कंवर गरेवाल नाम का एक सिंगर आया था डेरा में, और वो सिंगर 15 मिनट बाद उसे स्टेज से उतार दिया गया। किसी का मानना है कि नहीं वो सिंगर सही था और उसे 1 घंटा गाने की अनुमति देनी चाहिए थी। तो उस समय क्या था कि वो जो सिंगर था वो उसकी अपनी तरह की धार्मिक आस्था है, वो शायद अपनी माता या उस किसी लेडी को वो अपना गुरु मानता है, जैसा भी है। सिंगर को उतारा क्यों गया, क्योंकि वो सिंगर पैसे दे के बुलाया गया था, कोई धर्म प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया था। दूसरा, जब वो सिंगर स्टेज पे आया तो उसने हजूर पिताजी को प्रणाम नहीं किया, जिससे वो पैसा ले रहा है, जिसके कहने पे उसको बुलाया गया है, तो उन्होंने उसको नमस्कार नहीं किया गुरुजी को। गुरुजी से मुंह फेर के उसने लोगों की तरफ चेहरा कर लिया और गाना शुरू किया। तो पहला गाना उसने गाया तो वो लोगों ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन दूसरे गाने में उसने अपने तरीके से अध्यात्म को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, लेकिन जो ऑडियंस थी, संगत कह लीजिए, वो ये सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी, कि वो डेरा सच्चा सौदा की विचारधारा से अलग विचारधारा को सुनना नहीं चाहती थी। मसला ये नहीं है कि उसे उतारना इम्पोर्टेंट था, मसला ये कि वो पैसे दे के बुलाया गया सिंगर है, और कोई व्यक्ति पैसे दे के इसलिए नहीं किसी को बुलाएगा कि वो उसी का डेरा ख़राब करने लगे। और अगर कंवर गरेवाल की सोच किसी को पसंद है तो वो उसे सुनिए, मानिए, लेकिन अगर वो हमारा ही पैसा लेके हमारे ही खिलाफ़ बोलने लगे या हमारे आस्था पे कटाक्ष करने लगे तो कोई भी व्यक्ति उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसको जो लगता है कि वो बहुत समझदार व्यक्ति है तो वो मानिए, हमें तो किसी एंगल से समझदार नहीं लगता है। वो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है किसी को लेके। तो ऑडियंस को जब नहीं पसंद है, होस्ट को नहीं पसंद है, जिसने पैसा दिया उसको उसका गाना नहीं पसंद है, पैसा दे दिया काम ख़त्म, उसको नहीं पसंद आया तो उतार दिया, तो इसमें कोई बड़ा इशू तो था नहीं। तो इसमें धर्म तो कोई वो अलग धर्म का व्यक्ति नहीं था, तो धर्म तो सबके गिने चुने धर्म है, ऐसा तो है नहीं कि 700-900 हज़ार धर्म है, हर व्यक्ति अलग धर्म लेके चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब और कोई सवाल, एक सवाल था अभी, ओढ़ निभाना क्या होता है। तो ओढ़ निभाना, जो लोग जैसे नए बच्चे थे, वो 22-23 साल का लड़का था, तो उस ओढ़ निभाना किसे कहते हैं, तो मैं जितना तो मुझे समझ नहीं है, ओढ़ निभाना क्या है, आपको प्रेम है, मान लो आपका बच्चा है, बच्चे से आपको लगाव होता है, एक बच्चे को चोट लग गई है, एक माता होती है, माता को फिक्र होता है अपने बच्चे का। मान लो बच्चा चला गया कहीं, क्या कहते हैं, जैसे बाहर गया हुआ है बच्चा, तो माँ बाप को फिक्र होता है बच्चा सेफ है नहीं है, ये सारी चीज़ें माँ बाप को इसका फिक्र मतलब होता है माँ बाप को इसका फिक्र। अब
फिक्र होता है तो उसे लगता है भी कोई दिक्कत ना हो, उन्हें टाइम पे खाना खाया नहीं खाया, ये प्रेम है माँ का अपने बच्चे के प्रति। यही प्रेम और क्या होता है, प्रेम में किसी का फिक्र होना, किसी का बार बार जिक्र करना, यही प्रेम होता है। और बच्चे की खुशी के लिए माँ बाप चीज़ें बलिदान कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मान लो बस में बैठे हैं, बच्चा बोलेगा मुझे खिड़की वाली सीट पे बैठना है, तो माँ बाप को बेशक प्रॉब्लम हो लेकिन बच्चे को फिर भी खिड़की वाली सीट पे बिठाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें, बड़े बच्चे ने कुछ खाना है वो एक ही चीज़ है और एक दो खाने वाले दो हैं, तो माँ बाप मना कर देंगे भी, बच्चा खाना चाहता तो बच्चा खा ले, तो ये फिक्र रहे। हालांकि बच्चा जब बड़ा होता है तो समझदार हो जाता है। इसी तरह क्या गुरु शिष्य का प्रेम, ये एक प्रेम की तरह है। मतलब गुरु कभी तकलीफ़ में है तो बच्चे को फिक्र, गुरु का फिक्र है, गुरुजी ने खाना खाया नहीं खाया, गुरुजी स्वस्थ हैं या नहीं हैं, गुरुजी आज कहाँ घूमने गए, उनके बारे में पता करना, उन्होंने वो स्वस्थ हैं, सेहत ठीक है, ठीक ठाक हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, तो कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये जो फिक्र है और ये बार बार उस फिक्र से जिक्र है, ये अध्यात्म में एक बहुत अव्वल दर्जे की भक्ति, सर्वश्रेष्ठ सुमरण कहा गया एक तरह का। और इसका एक उदाहरण मिलता है कि उसमें श्री कृष्ण जी के जो जीवन उसमें पढ़ेंगे, श्री कृष्ण जी को बोला गया अभी आपने कंस को दर्शन क्यों दिए, मतलब कंस को विराट रूप में दर्शन दिए थे तो क्यों दिए, बोला अभी कंस से ज़्यादा तो मुझे कोई याद ही नहीं करता, कंस से ज़्यादा मेरा फिक्र कोई नहीं करता, मतलब इतना ध्यान रखता है वो मेरा, बात बात में मेरे बारे में पता करता है। इसी तरह भी एक उन उस टाइम के इंस्पेक्टर कह लो जो उस एरिया के अक्रूर जी थे, उनको भी कहा गया अभी वो बड़ा फिक्र करते थे, तो इसलिए उन वो भक्त नहीं थे श्री कृष्ण जी के, लेकिन फिर भी उन्हें दर्शन दिए। ये चीज़ें क्या है, अभी फिक्र करना किसी अवतारी पुरुष का, संत का, गुरु का आपने, ये प्रेम है। और ये प्रेम आपका मरते दम तक रहे, मतलब क्या है कि आपको गुरु से प्रेम रहे, आपको हर बार फिक्र हो, ये ना हो भी एक समय के बाद आपको लगे ठीक है गुरु जी जो कर रहे हैं कर लेने दो, हमें क्या लेना है, तो ये वो प्रेम में दरार पड़ जाती है। तो एक कहावत वो है रही, उसमें रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो क्या है कि जैसे मान लो हजूर पिताजी जेल गए तो हमें फिक्र होना चाहिए कि वो तकलीफ़ में हैं, उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, उनकी तबीयत ठीक है या नहीं है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये सब कुछ मतलब हम फिक्र करते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद जब हमें लगे ठीक है जो हो रहा है होने दो, मतलब आपको उनसे प्रेम रहा ही नहीं, वो दिखावा बन के रह गया, वो प्रेम नहीं रह गया, वो एक आस्था का केंद्र रह गया, बस वहाँ जाके आपको नाच गाना करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं। अब इसी को कहते हैं भी आप प्रेम, जो जैसा फिक्र जैसा प्रेम आपके अंदर पैदा है, आपको लगे भी हजूर पिताजी ने मान लो आना है तो आप लगे भी मैं सड़क साफ करूं, आपको तकलीफ होगी लेकिन गुरु जी के पाँव में पत्थर नहीं चुभना चाहिए, तो वो जो सड़क साफ करने के लिए आपका प्रेम है, ये तमाम चीज़ें प्रेम के रूप में। और अगर मरते दम तक ऐसा ही प्रेम रहे या वो और बढ़ जाए तो इसे और निभाना शायद कहते हैं, आगे बाकी जितना जिसको बेटर पता हो वो और बता दें। इसके अलावा और चीज़ें, जो कोई सवाल आपका हो तो बताइएगा, लगभग 5 मिनट हैं हमारे पास, और तो कोई और सवाल आपका हो ये कंवर गरेवाल को लेके जो ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हर व्यक्ति के मन में एक माइंडसेट है, माइंडसेट क्या है कि लोग जजमेंटल होते हैं पहले से, उनको पता है कि हमें यही कंक्लूजन निकालना है किसी चीज़ का, कंक्लूड किया होता है बस, वो उनको क्या होता है कि ये आदमी की फितरत है कि वो सामने वाले को अपने विचार से सहमत करवाना चाहता है, अगर हो गया तो उसके साथ, और नहीं हुआ तो फिर वो क्रिटिक्स चलता रहता है। विचारों की सहमति ही दोस्ती मित्रता का आधार है और यही चीज़ें समाज में चल रही हैं। अब मान लो इसमें भी लिखा किसी ने कमेंट में, राज करेगा खालसा ये कोई कॉन्सेप्ट है, तो राज करेगा खालसा अगर संतों ने ये वचन किए तो वाकई में करेगा, लेकिन ये नहीं है भी अगर इसी तरह के कपड़े पहन के और ये वेशभूषा और इस तरह रहेंगे तो उन्हें ही खालसा गिना जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा। ये लिखा भी खालसा मतलब साफ सुथरे लोग, एक समय आएगा जब राज करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह का पहनावा पहनने वाले लोगों को खालसा माना जाएगा। तो वो अलग बात है कि जब जो मिसइंटरप्रेट चीज़ें लोग कर लेते हैं, अपने तरीके से अपने कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेते हैं तो वो मानते हैं। अब चलिए ये अलग चीज़ है। अब एक शाही परिवार खुद को एडम और हनी गैंग से सुरक्षित महसूस करेगा तो सारी पोल पट्टी खोल कर रख देगा, सुरेंद्र खान पुरिया जी। देखिए ये हमारी कल्पना है भी, वो पोल पट्टी खोलेगा या नहीं खोलेगा,
समझिए क्या भी शाही परिवार अब तक बोला क्यों नहीं, और अभी भी जब उन्होंने बोला तो सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये बात उनके ऊपर आ गई। हजूर पिताजी के लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, उन्होंने सिर्फ अपने आप को अपनी स्किन बचाने के लिए ये लेटर जारी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हजूर पिताजी के पक्ष में उन्होंने कोई कार्रवाई कर दी है। वो अलग बात है कि उनको अपना कितना अपनी ताकत का एहसास नहीं है, और क्या कि कुछ चीज़ें उनकी चिट्ठी के बाद चल रही हैं, सरकारी लेवल पे भी हलचल होने लगी है, और वो हलचल कब तक रहेगी मालूम नहीं। मसला ये कि हम उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं, हम उम्मीद, हमारा प्रेम हमारे गुरु से है तो गुरु से प्रेम है, गुरु का फिक्र है, गुरु के लिए कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं भी यार ये व्यक्ति कुछ करेगा, हम क्या करेंगे। हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेरा मेरे गुरु से प्रेम है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, अगर मुझे नहीं जानकारी है तो जानकारी इकट्ठा करूँ, कोशिश तो करें। हमें कौन सा, जब हम शुरू किया था तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, केस की फाइल भी हमारे पास नहीं थी, मतलब कैसे तो एक अलग मसला है कि कभी आपको बताएंगे जब अभी होंगे इकट्ठे कि केस की फाइल हमारे को कैसे मिली, और कैसे कैसे हमें चीज़ें जानकारी मिली, कैसे कैसे लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। ऐसा नहीं है अभी हमें एक ही बार में सारे ईमानदार लोग मिले, बहुत सारे लोग ठग भी मिले, लाखों लोग रुपये उन्होंने ठग भी लिए, तो करीब करीब 50-60 लाख रुपये हमने ख़राब किया। ऐसा नहीं है अभी एक दो रुपया ख़राब किया, तो ठगों के हाथ चढ़ के 50-60 लाख रुपया ख़राब किया, उसके बाद जाके हमारे को अकल आने लगी, अच्छा लोग ऐसे ठग भी लेते हैं आपके काम करने के नाम पे। जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद हमने धीरे धीरे दूसरे तरीके से काम करना शुरू किया, फिर हमें लगा भी खुद को सब कुछ सीखना पड़ेगा, अभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जब खुद हमें जानकारी हो गई फिर हमें ऐसे लोग मिले जो हमें जानकारी उनको भी थी, लेकिन जब आपको खुद को होती है फिर सामने वाला आपको आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता। तो वो तमाम चीज़ें इस दौर में सीखी हैं, वो चीज़ें आपको भी सीखनी चाहिए, सीखें अपने आप आ जाएंगी, ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की। तो अपने आप उन हालातों में मुझे लगता है अभी पिताजी अपने आप ही जैसी आपकी नहीं हो तो वैसा ले जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप कोशिश कीजिए, बहुत सारे तरीके हमने शुरू किए हैं। एक जानकारी आपको और दें, एक मैसेज आया है मेरे पास, हमारे पास ग्रुप्स में आया एक मैसेज कि कुछ दवाई है जो कह जी छोटी बहन जी ने कोई फैक्ट्री लगाई है पिताजी से आज्ञा ले गए, तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, वो एक दवाई है और उनके किसी रिश्तेदार ने जैसे भी करके एक बिजनेस शुरू किया। लोग तो अपने घरों का मकान डालने के लिए, लेंटर डालने के लिए, सब कुछ करने के लिए, शादी के लिए सब आज्ञा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो किसी ने दुकान बनाने की आज्ञा ले ली तो उस दुकान का प्रचार आप हर एक नाम चर्चा में करने लगें या वो सब कुछ करने लगे, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि छोटी बहन तो सुना है विदेश चले गए, जब वो विदेश चले गए तो इंडिया में उनका बिजनेस कोई है ही नहीं संभालने वाला, तो फिर छोटी बहन के नाम पे सामान कोई और बेच रहा है, तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और क्या है कि पिताजी कभी इस तरह से सामान नहीं बेचने को कहते भी, हाँ जी पिताजी ने आशीर्वाद दे के कंपनी को लुवाई है, आपने सामान खरीदना है, तो ये सब क्या है, ये एक कह रहे हैं भी एक तरह से पोचा मारा जा रहा है, सफाई दी जा रही है भी, नहीं हम तो शाही परिवार के साथ हैं। वो क्या है भी एडम ब्लॉक और ये जो हनीप्रीत गैंग है ये असमंजस में है, भी हम किस पक्ष में जाएं, कहां खड़े हैं और कहां ना खड़े, और क्या शाही परिवार को गलत बोल के हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कैलकुलेशंस में चल रहा है, तो अपने अपने तौर तरीके वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि पिताजी ने कहा हो भी ये छोटी बहन जी की कंपनी है, आपने सामान खरीदना है, सब कुछ ये तो बीच में व्यापारी है जिनको अपना सामान बेचने का कमीशन मिलता है, और वो कमीशन के चक्कर में आपको सामान भेजते रहेंगे, और अल्टीमेटली उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, वो आपसे पैसा कमाना, तो उस पैसा कमाने से पैसा लुटाने से बचिए और कुछ नहीं है। और अगर आपके साथ भी आपने 25 अगस्त के बाद वकीलों के नाम पे, कोर्ट के नाम पे, या दलेरे के बिजली बिल के नाम पे, या शाही परिवार के नाम पे, या पिताजी के नाम पे किसी भी तरीके से आपने पैसा दिया है और उस पैसे की रसीद नहीं ली है, तो आप उस पैसे की जानकारी एक शाही परिवार ने फ़ोन नंबर जारी किया है, जिसके पास वो फ़ोन नंबर हो वो कमेंट्स में डाल दें, तो फ़ोन नंबर जारी किया है उस फ़ोन नंबर पर आप वो मैसेज डाल दें जो कि आपने इतना पैसा दिया है। बहुत सारे लोगों के मैसेज हमारे पास भी आए भी, हमने 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 10 लाख, 2 लाख, इस तरह से पैसा दिया है और कैश में दिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने बोला जी मैंने चेक दिया है, तो क्योंकि उन्होंने ये ड्रामा किया अभी बैंक खाते बंद हैं, तो इसलिए सबने पैसा कैश में दिया है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कल को आपके पैसे का अगर गलत इस्तेमाल हुआ है तो आप सफाई कैसे देंगे, भी आपसे पूछा जाएगा भी आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया,
तो आप ये जानकारी उस फ़ोन नंबर पे ज़रूर डाल दें। जो भी पैसा आपने दिया है 25 अगस्त के बाद, उसमें से ये परमार्थ के नाम पे 45 मेंबरों को, एडम ब्लॉक को, एडम ब्लॉक की बहनों को, या और भी जो भी बहनें आपके पास आई हों, जो भी भाई आए हों पैसा लेने, उनको आपने पैसा दिया हो, तो ये तमाम चीज़ें जानकारी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा जो भी जानकारी हो अगले लाइव में आपको बता देंगे। और ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, ख़ास तौर पे दो लोग जो कमेंट्स कर रहे थे, कि आप किसी भी स्टेज पे जजमेंटल ना बने। मेरे पास एक व्यक्ति है और बड़ा अच्छा करोड़ोपति आदमी, तो सत्संगी नहीं था, लेकिन वो रिसर्च करने आया डेरा पे। लगभग 2 साल पहले वो रिसर्च करने आया डेरा पे। जब वो रिसर्च करने आया तो मैंने उनको बोला एक दिन, मैंने कहा जी आप कभी गुरुजी से मिलेंगे तो जानेंगे भी वो क्या हस्ती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बताने से ज़्यादा मिलने से, सामने होने से पता चलती हैं। क्योंकि पीठ पीछे हर व्यक्ति का अपना अलग ओपिनियन होता है, और जिसके बारे में बात हो रही है उसका ओपिनियन जाने तो अलग बात। तो व्यक्ति इतना नाराज़ था डेरा की इस एक्टिविटी से, जो कुछ दंगा वगैरह सब कुछ हुआ, उसने मुझसे एक बात बोली, कहता भी मैं ज़िंदगी में, मेरी कोई इच्छा नहीं है मैं आपके गुरुजी से मिलूं, और मैं सिर्फ ये मतलब रिसर्च कर रहा हूँ एक तरह से भी ये सब कुछ क्या है, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है दूर दूर तक की ज़िंदगी में मैं आपके गुरुजी को कभी देखूं या कभी मिलूं, मेरा मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की, रिसर्च बढ़ती गई, लगभग 1.5 साल बाद, डेढ़ साल बाद उन्होंने उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई। जब वो रिसर्च होती रही तो कुछ चीज़ें मुझसे पूछते थे, कुछ औरों से पूछते थे, तो जब रिसर्च करते करते उन्होंने आखिरी में, जब उनको लगा भी हाँ मैंने एक सिग्निफिकेंट स्टडी कर ली है, तो तब मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे लगा अभी गुरुजी के बारे में ना आपसे ना बोलेंगे हम क्यों छेड़े। लेकिन जब हम अलग होने लगे, तो हो सकता है उनकी रिसर्च अभी भी जारी हो, मेरी अभी इतनी बातचीत नहीं है, उन्होंने मुझसे जाते थे एक बात बोली, कहते भी ऐसा है भी इस दुनिया को आपके गुरुजी की ज़रूरत है, तो आप किसी भी तरह कोशिश कीजिए और उन्हें बाहर निकालिए, हमारी तरफ से जो मदद चाहिएगी हम ज़रूर करेंगे। अब उस 1.5-2 साल में ऐसा क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ, तो वो तो वही बता सकता है, लेकिन जो रिसर्च जब की, जब एक ओपन माइंड से जजमेंटल होके नहीं किया, तब शायद आप उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि फिर आपको न्यूट्रल होके, रिसर्च चीज़ ही ऐसी है पता करना किसी चीज़ का, वो न्यूट्रल होके किया जाता है। जब पहले से आपने एक मीडिया प्रोफाइल से खुद को जजमेंटल कर लिया है, या जो चीज़ें आपको दिखाई दी और उसको लेके आपने धारणा बना ली, वो चीज़ों को आप ज़बरदस्ती फैक्ट्स के साथ कनेक्ट करके एक स्टोरी क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि अभी ऐसा नहीं है कि आप कंक्लूड कर लें एकदम, क्योंकि जिसके बारे में ये धारणा बना रहे हैं तो ये सारे सवाल उनके सामने होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके सामने बात ही ना हो। हाँ, ये चर्चा कर सकते हैं जो लोग नहीं हैं दुनिया में उनको लेकर, उनके बारे में जो लिखा गया उनको लेकर, क्योंकि गुरुजी के बारे में कोई भी ऐसी किताब नहीं है, उनके बारे में डिटेल सब कुछ ये सब किसी में किताब में नहीं आया, तो अगर आया होता फिर हम उस फैक्ट्स को कंपेयर करते हैं। ये जो भी है लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रोपेगेंडा बिल्डअप किया है, और उसके हिसाब से अब लोग अपना अपना स्वार्थ साध रहे हैं, तो किस तरह से क्या हो रहा है मालूम नहीं। हाँ, फिर भी हमें लगता है कि ओपन एंडेड चीज़ें रहनी चाहिए, बजाय आप एक पहले से प्रिजुडिस हों किसी चीज़ों को लेके। तो खैर, आखिरी 10 मिनट हमें नाम सुमन करना है, तो कुछ लेट हो गए हैं, तो अरदास लगाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तू ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।